नमस्कार दोस्तों। दोस्तों होता क्या है कि जब भी आप वीडियो शूट करते हैं अपने मोबाइल से, तो उसके बाद उसको एडिटिंग करने के लिए आप ले जाते हैं अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप में ले जाने के बाद वो डेटा को, वीडियो को, पिक्चर को, तमाम चीज़ आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत झमेला होता है। आपको एक वायर यहाँ पर घुसेड़ना होता है, फिर एक वायर आपको अपना सिस्टम में इंसर्ट करना पड़ता है, इंसर्ट करने का बाद आपको फाइल ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तो फिलहाल बिना वायर का किस तरह से आप फाइल को ट्रांसफ़र कीजिएगा अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में, आज हम लोग वीडियो में यही बात करने वाले हैं। इसमें किसी भी तरह का इंटरनेट का कोई इस्तेमाल नहीं होगा, जस्ट हॉटस्पॉट को, आपका मोबाइल का हॉटस्पॉट को ऑन करना है और ऑन करने के बाद आपके लैपटॉप से उसको एक्सेस करवा देना है एक आईपी एड्रेस के ज़रिए। जो भी आईपी एड्रेस आपको मिलेगा, आपको इसी मोबाइल से जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिएगा, सिर्फ इसमें एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप डेस्कटॉप से इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में फटाफट देख लेते हैं। वेल, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप प्ले स्टोर में जाकर स्विच वाईफाई फाइल ट्रांसफ़र, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, 100K से ज़्यादा लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तार फार का झमेला नहीं है, जस्ट आपको फ़ोन चाहिए और आपको पीसी में इसको एक्सेस करने के लिए एक नेटवर्क आईपी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको आप सबसे पहले यहाँ पे ऑन कर लीजिए। ठीक है, और इसको डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। हम ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले जो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्ले का, ठीक है, तो ये आपको पहला इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर ही हम अपना वाईफाई को ऑफ़ कर देंगे। चलिए यहाँ पर ही हम वाईफाई या नेटवर्क इसको हम ऑफ़ कर दिए, चलिए हमारे इंटरनेट को ऑफ़ कर दिए हैं। और यहाँ पर हॉटस्पॉट जो है अपना फ़ोन का, इसको आप ऑन कर लीजिए। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद ये आपका ऑन हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला इंटरफेस आपको आएगा, ये आएगा आपका कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे जाके आप इसको खोजिए अपना हॉटस्पॉट का, फ़ोन का हॉटस्पॉट को आपको खोजना है। ठीक है, तो यहाँ पर खोजने से पहले यहाँ पे देखिए आपका फ़ोन यहाँ पे आ चुका है AI। ठीक है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। देखिए कि इसको यहाँ पे ऑन कर देना है, पहले वहाँ कनेक्ट हो जाए। कनेक्ट होने के बाद इसको ऑन करना है। अब देखिए आपका मोबाइल में आपको एक आईपी एड्रेस दिखता होगा। ठीक है, हम इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और अपना ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ठीक है, ब्राउज़र में हमको लिखना है, यहाँ पर इंटरनेट नहीं है इसीलिए कुछ नहीं दिखा रहा है। ब्राउज़र में हमको सेम आईपी एड्रेस लिखना है, https://192.168. कनेक्ट करते ही देखिए आपको आईपी लिखना है, आपका फ़ोन से देखकर एक नेटवर्क आईपी जनरेट हो जाता है, यहीं से आपका फ़ोन का जो भी डेटा है यहाँ पे दिखा देता है। अब यहाँ से आप ट्रांसफ़र करिए, नीचे की तरह आप ये देख सकते हैं कि हमारा इंटरनेट वगैरह सब बंद है, सिर्फ हमारा नेटवर्क आईटी से सिर्फ हम अपना फ़ोन का हॉटस्पॉट वगैरह यूज़ किए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन अपना फ़ोन में आप यूज़ किए थे, यूज़ कर रहे हैं फ़िलहाल, ये सारा एप्लीकेशन आपका यहाँ है। अगर आप चाहें किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई एप्लीकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड आराम से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपका डॉक्यूमेंट में है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको होगा यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट मिल जाता है PDF फॉर्मेट में, जो भी होता है। ठीक है, यहाँ से आपका वीडियोज़ है, अब डिपेंड करता है कितना है, जैसे ओपन कैमरा में दो तीन वीडियो है। ठीक है, यहाँ पर इमेज है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम कोई भी इमेज, मान लीजिए ये वाला इमेज को हम जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम जैसे ही ये वाला इमेज को क्लिक करेंगे, ये वाला इमेज को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पर ही राइट क्लिक करके भी आप यहाँ पर ही सेव एज कर सकते हैं। ठीक है, या यहाँ पर इसे आप इसको
डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल सेलेक्ट करके डाउनलोड वाला ऑप्शन यहाँ पर ही आपको मिल जाता है। जस्ट आप सारा का सारा अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक साथ सब आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। देखिए आपका जीप फॉर्मेट में डाउनलोड में आपका सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। बस यही एक छोटा सा वीडियो था कि आप वायरलेसली किस तरह से बिना इंटरनेट को इस्तेमाल किए आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों यही एक वीडियो था छोटा सा जिसमें आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। हम काफ़ी दिन से यूज़ कर रहे हैं। अब डेटा आपका जितना लंबा होगा, वाईफाई में और वायर में थोड़ा से तो फ़र्क पड़ता है। वाईफाई वायरलेसली अगर ट्रांसफ़र करिएगा तो थोड़ा सा डाटा ट्रांसफ़र रेट जो होता है वो थोड़ा सा बेसी होता है, मतलब थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। लेकिन जब इसको आप वायरली माने विथ वायर करिएगा तो थोड़ा से कम वक्त लगता है। तो ये डिपेंड करता है आपका डेटा को ऊपर, कितना जीबी का डेटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। दोस्तों बस यही एक छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए। एक्चुअली बहुत सारा छोटा छोटा जानकारी होता है हम इस चैनल में देते हैं, लेकिन इससे हमारे जो व्यूअर्स है वो कन्फ्यूज हो चुका है, इसलिए हम खास एक और चैनल बनाए हैं। उसमें हम सिर्फ वेबसाइट से रिलेटेड, गैजेट का रिव्यू से रिलेटेड, बहुत तरह का गैजेट्स है, मोबाइल से एसोसरीज है, आपका मोबाइल होल्डर है, ये तमाम चीज़ से रिलेटेड जो हम वहाँ पे अपना दूसरा चैनल बनाए ताकि आप लोग का फोकस एक जगह रहे। तो उससे रिलेटेड अगर आप चाहें तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकदम बेसिक चीज़ है, एक आम आदमी जिस तरह से सोचता है कि हमको कैसे करना है, जैसे हम सोचा करते थे जब तक हमको जानकारी नहीं था, तो उसी हिसाब से एकदम खड़ा लैंग्वेज में, एकदम हिंदी लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे अपने नए चैनल पर। तो आप उसमें भी जाके ये कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिले, हम मोटिवेट हों। और आपके लिए हम कॉन्टेक्ट, काफ़ी दिनों से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे जिसका एक अलग वजह था। तो चलिए हम फिर से स्टार्ट करते हैं, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।